दोस्तों, क्या हुआ जब ट्रेन एक्सीडेंट में 11 दिन की बच्ची के जान बचाने खुद दौड़े चले आए नाग देवता, और फिर जो हुआ उसे देख लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव का हाथ अगर किसी पर हो तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देवता यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक ऐसा ही यहाँ यूपी के रामपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 11 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दोस्तों, शाम के करीब 9 बजे एक महिला ने अपने 11 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया, और ऐसा कर वह महिला वहां से चली गई। लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं दिया। जब स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय हो गया था, तो अचानक से उस बच्ची के पास एक बड़ा सा सांप आया और वह वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी की सहायता से उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन वह सांप वहां से नहीं हिला। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया, और ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था, और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों, तभी वहां महादेव का भक्त आया और उस सांप को देखते ही समझ गया कि वह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि यह स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वह शिव भक्त उस नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है, उन्हें श्रद्धा से जय नाग देवता कहता है, और कुछ ही देर में वह नाग धीरे धीरे रेलवे ट्रैक से जंगल की तरफ चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आती है, उस व्यक्ति ने उस 11 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर गोद में ले लिया। दोस्तों, यह नजारा लोगों ने और वहां मौजूद रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा, इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना।